तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पे लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे रांचे टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जोस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल डी ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेडसंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट 48 से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 261 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवी से देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हजार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम में वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेडसंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचे टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जोस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन नाइन्टी है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डोगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल डिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बैन ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप एमज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पे लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सुशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फिट ने एंड रोनाल्ड शेटसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल कोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जोस्ट वैकैनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आपकी टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सुशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेडसेंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में रोनॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे ओरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन नाइन्टी है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉलॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल डिकोटिन ने मैलिना का कैरेक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का कैरेक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का कैरेक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का कैरेक्टर निभाया है मार्शल बैन ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी से शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वही वी कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉल 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नोल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं की की बात जाए तो टोटल मूवी में है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट के इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल डी ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बेरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नाल्ड सोशेट ने डैन ओ, ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट ने एंड रोनाल्ड शेटसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमैटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक की है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वी कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम में वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ, ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फिट ने एंड रोनाल्ड शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकैनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सुशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अरनॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शेरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट 48 से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 261 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शरण स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बैन ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आपकी टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेडसेंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में रोनॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन नाइन्टी है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉलॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल डिकोटिन ने मैलिना का कैरेक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का कैरेक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का कैरेक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का कैरेक्टर निभाया है मार्शल बैन ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वही वी कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉल 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हजार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ, ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फिट ने एंड रोनाल्ड शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकैनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का कैरेक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का कैरेक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का कैरेक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का कैरेक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का कैरेक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस औरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल नाइनटीन में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नाल्ड सोशेट ने डैन ओ, ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट ने एंड रोनाल्ड शे शेटसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैमैटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद है आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हजार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम में वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे रांचे टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जोस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे उरियोस्टर ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन नाइन्टी है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बेरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अरनॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शेरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट 48 से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 261 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शरण स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बैन ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हजार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल नाइनटीन में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फिट ने एंड रोनाल्ड शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नोल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनैटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्टर ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एट्टी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वही वी कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉल 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस औरजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फिट ने एंड रोनाल्ड शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का कैरेक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का कैरेक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का कैरेक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का कैरेक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का कैरेक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस औरजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेडसंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे और ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट 48 से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 261 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम में वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे रांचे टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जोस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे उरियोस्टर ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन नाइन्टी है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस औरल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अरनॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट 48 से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 261 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शरण स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बैन ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल नाइनटीन में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवेन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेट ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नोल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनैटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे उरियोस्टर ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एट्टी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वही वी कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉल 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फेट सेंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जोस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोलको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून नाइनटीन है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शैरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का <laughs> करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स बॉक्सऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किनों ने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बर्होवन ने स्क्रीन पे लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अरनॉल्ड सुशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फेडसंस ने एंड रोनाल्ड शेडसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आर्नसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जॉस्ट वैकेनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे और ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉर्ड मूवी के कैरोको पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट 48 से लेकर 80 मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने 261 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो अर्नाल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डू डूगलास क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so यह कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है पॉल बेरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हजार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम में वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉर्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉर्ड मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बेरहोवन ने स्क्रीन पर लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सोशेट ने डैन ओ, ओ बैनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बैनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज फिट ने एंड रोनाल्ड शे, शेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल टिकोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जॉस्ट वैकैनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रांक जे ओरियोस्टो ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डोगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करेक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलिना का कैरेक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का कैरेक्टर निभाया है रॉनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का कैरेक्टर निभाया है माइकल आरनसाइड ने रिस्टर का कैरेक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का कैरेक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 के बाद इस मूवी का रीमेक भी 2012 में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस ओरिजिनल टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो ज़रूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज़ हुई टोटल रिकॉल मूवी के बारे में इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में अर्नाल्ड देखने को मिल जाते हैं तो उनकी ये मूवी है सो अगर आप ये टोटल रिकॉल मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टोटल रिकॉल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने टोटल रिकॉल मूवी को बनाया है बात करने वाले हैं कि कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को बनाया है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना साथ ही मैं बात करेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था साल 1990 में एंड फुल डिटेल में इसके कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के टीम के बारे में सबसे पहले इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट की है पॉल बरहोवन ने स्क्रीन पे लिखा है टोटल रिकॉर्ड मूवी का अर्नोल्ड सुशेट ने डैन ओ बनन ने एंड गैरी गोल्डमैन ने स्टोरी लिखी है टोटल रिकॉर्ड मूवी की रोनाल्ड सोशेट ने डैन ओ बनन ने एंड जॉन पॉविल ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को वज़ फिट ने एंड रोनाल्ड शेटसेट ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो टोटल रिकॉर्ड मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में अर्नॉल्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे राचेल कोटिन देखने को मिल जाते हैं शैरन स्टोन देखने को मिल जाते हैं एंड माइकल आरनसाइड देखने को मिल जाते हैं एंड रोनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो टोटल रिकॉल मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जोस्ट वैकैनो ने एंड इस मूवी को एडिट किया है फ्रैंक जे उरियोस्ट ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टोटल रिकॉल मूवी के कैरोल को पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन जून 1990 है और रनिंग टाइम इस मूवी का वन थर्टीन मिनट्स था और यह मूवी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इस मूवी का बजट फोर्टी एट से लेकर एटी मिलियन डॉलर का रहा था और वॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने टू सिक्सटी वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए तो रोनॉल्ड ने सबसे पहले लीडिंग रोल में डूगलास दू, क्वाडी क्वाइड का करैक्टर निभाया है उसके आगे राकेल टिकोटिन ने मैलना का करैक्टर निभाया है शेरन स्टोन ने लोरी का करैक्टर निभाया है रोनी कॉक्स ने वेलोस कोहागिन का करैक्टर निभाया है माइकल आर्नसाइड ने रिस्टर का करैक्टर निभाया है मार्शल बेल ने जॉर्ज का करैक्टर निभाया है एंड माइकल चैम्पियन ने हेलम का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ करैक्टर्स के बारे में बात हो गई और यह मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है अगर आपको अमेरिकन साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है पॉल बरहोबेन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी भी आने वाली है और इस मूवी की स्टोरी ली गई है शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी थे शॉर्ट स्टोरी से जो कि 1966 में आई थी वी का वही कैन रिमेंबर इट फॉर यू होल सेल उस शॉर्ट स्टोरी से इस मूवी की स्टोरी को लिया गया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इस टोटल रिकॉर्ड 1990 नाएंटी के बाद इस मूवी का रीमेक भी दो हज़ार बारह में बनाया गया था लेकिन वो इतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोग इस और टोटल रिकॉर्ड को ही पसंद करते हैं सो जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक्ट्रेस की भी देखने को मिल जाएगी इस मूवी में पूरी टीम ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी अच्छा खासा किया था इस मूवी ने और उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का यह मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना